हेलो एवरीवन वेलकम टू इंडियन गुरुकुल टुडे वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी जीडी सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है देन आंसर बी इज करेक्ट आंसर औरंगाबाद बीबी के मकबरा को औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माता दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच सत्रह सौ में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध पंद्रह सौ छब्बीस में लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था इसको पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और यहीं से दिल्ली सल्तनत का जो कालानुक्रम होता है समाप्त हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का पारंपरिक वास है? ए इज करेक्ट आंसर चिराम। बाकी जो ऑप्शन है ऑप्शन बी भांगड़ा ये पंजाब से रिलेटेड है मांचू एक मध्य प्रदेश का नृत्य है तथा कत्थक जो कि उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है दो सितंबर 1945 को समाप्त हुआ देन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सन उन्नीस में हुआ और 1945 में समाप्त हुआ जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये आपका 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था देन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किस की मान्यता नहीं होती है ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट में सन 2020 में पूछा गया था देन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ब्लैंक प्लेस यानी कि जैसे स्पेस वगैरह का यूज हम इसमें नहीं कर सकते हैं जी मेल बनाने में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है देन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर एमपी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में कान्हा माधव पन्ना पेंच सतपुड़ा और वन्य विहार ये सभी नेशनल पार्क अवस्थित हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि मानव गुणसूत्र होता है कि संख्या कितनी होती है तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना भाई जोड़ों में पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका तेईस जोड़े यानी कि टोटल छियालीस होते हैं कभी कभी नंबर में भी दे सकता है और कभी कभी पेयर में तो एग्जाम टाइम में आपको ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ विद्युत धारा को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है यानी कि किस यंत्र का यूज किया जाता है तो एमीटर इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर और थर्मामीटर जो आप जानते ही हैं ये टेम्परेचर यानी ह्यूमन का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है यानी ये फीवर वगैरह में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली ये फारेनहाइट में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर यानी लिट्रेसी रेट जो होती है सर्वाधिक थी तो देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर केरल और केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम तथा केरल के जो सीएम है ना पिनाराई विजयन और मुख्यमंत्री सॉरी राज्यपाल जो हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं अगर आप सीएम और वीडियो सीएम और राज्यपाल यानी गवर्नर से संबंधित प्रॉपर लिस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले में जाकर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है देन ऑप्शन नंबर वन यानी कि ए इज करेक्ट आंसर वैश्वीकरण और बाकी ऑप्शन जो है आधुनिकीकरण इसमें क्या होता है मॉडर्नलाइजेशन यानी कैसे देश का आधुनिक विकास होगा ये सब बारे में अध्ययन किया जाता है जबकि निजीकरण जो होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि किसी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर देना थैंक्स टू ऑल ऑफ यू